तो एपिसोड को शुरुआत करने से पहले तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, तुम लोग जो बोलते हो इस सीरीज को ये हेल्ता है या फिर ये घटिया सीरीज है, लेकिन मेरा सोचना ये है कि ये कोई भी घटिया सीरीज नहीं है। अगर तुम लोग इस वाले एपिसोड को डीपली सोचोगे या फिर इससे पहले वाले एपिसोड को डीपली सोचोगे तो तुम लोगों को पता चली जाएगा ये हेल्ता नहीं है। तो देखना कैसा एपिसोड है। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर हमारा कुत्ता एक दरवाजे के आगे होता है और इधर वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था जब और इधर वो अनगिनत कोशिशें करने लगता है। फिर जब हमें दिखा जाए पीछे से आ जाती है इनुकाय और इधर वो बोलने लगती है, पोचिता तुम्हें क्या बाहर जाना है, लेकिन ये गलत बात है कि तुम दरवाजे को स्क्रैच पहुंचाओ। और जब हमें दिखा जाए इधर वो उसे ले लेती है और इधर हमारा पोचिता बता रहा होता है बहुत दिन हो चुके हैं वो इनुकाय के साथ ही रह रहा है। और इधर हमारा पोचिता बता रहा होता है कि वो जब ह्यूमन था उसका कुछ मेमोरीज वो भूल चुका है, जब वो कुत्ता बनकर जाग चुका था उसके बाद वो कुछ अपनी मेमोरीज भूल चुका है। और इधर इनुकाय उसे बाहर ले जाने की बातें कर रही थी और इधर में दिखा जाए इधर वो एक कॉलर निकाल लेती है जो कि कुत्तों को बांधा जाता है। और भी हमें दिखा जाए इधर उसे सोच रहा होता है कि कॉलर मैंने बहुत दिनों का बाद ही देखा है जो कि अब उसके गले में लगने वाला था। तो हाँ तुम लोगों को देख ही चुका होगा आजकल की लड़कियाँ नॉर्मल लड़कों को भी ऐसा बनाती है। मैं सारी लड़कियों को मेंशन नहीं कर रहा, कुछ कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही लड़कों को कुत्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनसे बचते हैं वो मेरे से बनते हैं। तो अब स्टोरी पर बढ़ते हैं जहाँ पर हमें दिखा जाए इधर इनुकाय कपड़े चेंज कर पोचिता को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है और जब वो एक साथ ही जा रहे होते हैं घूमने के लिए और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग सिटी में घूम रहे थे जहाँ पर सारे लोग ही पोचिता को देख रहे थे। और जब पोचिता सोच रहा होता है इन दिनों वो बाहर नहीं था यानी घर के अंदर ही था, अब जो बाहर आ चुका है वो तब उसे और सही फील हो रहा है क्योंकि उसने बिना कपड़ों से कभी बाहर नहीं आया था, अब वो कुत्ता बन चुका है जिसकी वजह से उसे कपड़े भी नहीं मिलने वाले थे जिसकी वजह से उसे ऑकवर्ड फीलिंग होने लगता है। फिर जब हमें दिखा जाए इधर वो ना एक और जगह पर आए थे जहाँ पर लोगों का आना जाना कम था और टभी हमें दिखा जाता है इनका बताने लगती है पोचिता को तुम्हें क्या मजा आ रहा है ना, और टभी हमें दिखा जाए वो दोनों भागने लगते हैं और इधर पोचिता भी उसके साथ दौड़ने लगता है। और इधर तुम लोगों मैंने बहुत बार बोला है इस स्टोरी का एक ही मतलब है तुम लोगों को कुत्ता बनाया जा रहा है, बात हो या गर्लफ्रेंड से या फिर एक लड़की से। तभी हमें दिखा जाए इधर वो दोनों ऐसे ही दौड़ते हुए जा रहे थे तभी हमें दिखा जाए एक बॉल उन लोगों के ऊपर गिरने वाली थी जहाँ पर ये देखकर पोचिता उसे खींच के लेता है यानी कि इनुकाय को खींच लेता है जिसकी वजह से इनुकाय नीचे गिर जाती है और इधर पोचिता उसके किसी और ही जगह के अंदर चला जाता है। और इधर ये देखकर इनुकाय उसे बोलने लगती है ये गलत जगह है और जब वो उसे बाहर निकाल लेती है और वो बोलने लगती है ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और जब वो बोलने लगती है लेकिन तुमने जो मेरा हेल्प किया है इसकी वजह से थैंक्स और तभी हमें दिखा देता है इधर वो बोलने लगती है कि तुम्हारे नाक को क्या हुआ, वो तो थोड़ा लाल पड़ चुका है लेकिन उसे क्या पता था इधर हमारा पूछा भी शर्मा चुका था जिसकी वजह से उसके नाक को यानी नाक थोड़ा लाल हो चुका था। और इधर मैंने कहा जाए इधर इनका सारे वो देखने लगती है और जब वो उसको यानी उसके नाक को किस करने के लिए आ चुकी थी तभी हमें दिखा जाए पीछे से आ जाते कुछ बच्चे और ये देखकर इधर इनका नाराज हो जाती है और जब वो गुस्सा लग रही थी जब वो लोग बच्चे बोलने लगते हैं आपको क्या चोट आई है हमारा बॉल यहाँ पर गिरा था। और जब हमें दिखा जाता है इधर इनका बोलने लगते ओ तुम लोगों ने क्या है तो अब की बात तुम लोग ये सारा कुछ मत करना यहाँ पर कुत्ते भी आ सकते हैं या फिर ऐसे ही लोग आते जाते हैं अगर उन लोग को ये हिट हो जाए। और ये देखकर वो लोग बच्चे डर जाते हैं और जब वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं फिर वो लोग बॉल उठाते हैं और जब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब हमें दिखा जाए इधर पोचिता अपने कुछ हिला रहा होता है यानी पैरों को और इधर वो सोच रहा होता है अभी क्यों और टभी हमें दिखा जाए इधर इनुकाय ये देखकर स्माइल करती है और वो बोलने लगती है ओ तुम्हें टॉयलेट जाना है। और टभी हमें दिखा देता है इधर वो एक पोस्ट को निकाल लेती है ढूंढ कर और टभी हमें दिखा जाए इधर वो देखने लगती है पोचिता को जब वो शिशु करने वाला था। तभी हमें दिखा जाए इधर पोचिता सोच रहा होता है अब तो मैं इतना बड़ा कुत्ता बन ही चुका हूँ यानी कि ह्यूमंस के मेरे पास कुछ भी नहीं रहा लेकिन मैं तो रुकाऊंगा अपने शिशु को नहीं तो मैं भी एक असली का कुत्ता बन ही जाऊंगा। लेकिन लास्ट में वो करने लगता है और इधर इनुकाय ये देखकर बोलने लगती है कितना क्यूट लग रहा है और वो फोटोज क्लिक करने लगती है उसका। और टीवी में दिखा जाए इधर वो लोग घर आ जाते हैं और टीवी में दिखा जाए इधर इनुकाय के रूम पर उसकी दोस्त आ जाती है जिसका नेम मुझे नहीं पता। और इधर में दिखा जब वो लोग एक साथ इस तरह करने लगते है जहाँ पर इधर पोचिता बता रहा होता है उसका उस लड़की का घर आसपास ही है और इधर उसके मम्मी फादर
सच है उसे ढूंढ रहे हैं, यानी पूजा को ढूंढ रहा है क्योंकि वो बहुत दिन से गायब है। और मुझे भी जानना है कि पूजा के घर वालों को कैसा लग रहा होगा जब वो गायब हो चुका है, या फिर उसका बॉडी स्विच हो सकता है जहाँ पर उसे सच्चे कुत्ते की सोच में आ चुका था वो, ऐसा भी हो सकता है। और टीवी में कहा जाए इधर मुझे सोचते रहता है अगर वो उस लड़की को मना ले यानी अपने प्यार में पड़ा ले जिसकी वजह से वो लड़की उसे ले जाएगा और इधर उसके पास ही वो घर था जिसकी वजह से वो अपने घर को भी देख पाएगा। और जब वो अपना प्लान बना ही रहा था तभी अमेरिका से इधर इनुकाई को अपनी यानी उसकी माँ आकर बुलाती है और ये इनुकाई उस वहाँ से चली जाती है। फिर भी अमेरिका से इधर पूछता उस लड़की की बात जाने लगता है और क्या होने वाला है तुम लोगों को इसके बाद वाले एपिसोड पर पता चलेगा। तो आशा करूंगा कि तुम लोगों को ये वाला एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। कुछ गलतियों को तुम लोग मुझे माफ करना लेकिन एपिसोड अच्छा था। अगर तुम लोग डीपली सोचते हो तो एपिसोड तो बहुत ही अच्छा सोचना था। और मैं हमेशा ये तारीफ करूंगा राइटर का क्योंकि शायद से वो अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाया था जिसकी वजह से ये सीरीज उसने बना दी जो कि अच्छी बात है तुम लोगों के लिए। तुम्हें भी पता चलेगा कैसे लड़कियां तुम लोगों को कुत्ता बनाती है और कैसे तुम लोग बच सकते हो। सारा कुछ इस एपिसोड से ही तुम लोगों को शायद से थोड़ा थोड़ा पता चला होगा। तो आशा करूंगा तुम लोग इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड देखने के लिए भी रेडी रहोगे और बोलना कंटिन्यू करूँ या ना करूँ।